नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल कुक विद जलपा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा रस का सेवन करके आप अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं? जी हाँ, यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, यह रस नहीं बल्कि एक राज है जो आपकी सेहत को बदल सकता है। इस रस के अनोखे फायदे, डाइजेशन की समस्या से लेकर वजन कम करने तक, खिलती हुई त्वचा से लेकर ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल। और क्या आपको पता है, वेदों के अनुसार चैत्र महीने में इस रस का सेवन करना और भी अधिक गुणवत्ता को बढ़ा देता है। तो चलिए इस राज को आज ही खोलें और अपनी सेहत को नए मुकाम पर ले जाएं। सबसे पहले हम नीम के फूलों और नीम के कोमल पत्तों को एक बाउल में ले लेंगे और उसमें पानी डालकर अच्छे से वॉश करेंगे। अब हम छन्नी में सारे फूल निकाल देंगे और उसको एक बाउल में ले लेंगे। अब हमें फूलों को एक से दो ग्लास पानी डालकर ओवरनाइट तक रखना है। सुबह में इन फूलों को लेकर एक मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और उसकी पेस्ट बना लेंगे। हमारी पेस्ट बनके तैयार है। अब हमने जो पेस्ट तैयार की है उसे एक बाउल में छन्नी से छान लेंगे और एक गिलास पानी और ऐड करेंगे, जिससे नीम के फूलों के सारे गुण तत्व हमारे जूस में आ जाए। अब हमारे नीम के फूलों का रस तैयार है। इसको अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए और इसका कड़वापन कम करने के लिए हम एक नींबू के रस को ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। अब हमारा हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर जूस रेडी है। अब मैं जूस को एक ग्लास में निकालूंगी और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए लेमन और मिंट से गार्निश करूंगी। तो आप भी इस जूस का आनंद लेकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपनी हेल्थ को और बेहतर बनाएं। तो बताइए दोस्तों, नीम के फूलों के जूस की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। हैप्पी कुकिंग। धन्यवाद।